महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब की सदा की जय। प्रथम संदेश भेज करके श्री लालदास जी महाराज को काल के मुंह
से काट लिया। अब इनका शुक्राना अदा करने के बाद श्री लालदास जी महाराज आगे एक साक्षी रखते हैं, जो कि कुरान की साक्षी बताई गई है। 27वें पन्ने पर 10वें सिपाही से इस साक्षी को लिया गया, जिसमें मोमिन और दज्जाल के बीच, मोमिन और सरे के शैतान के बीच में जो जंग हुई, इस जंग के विषय का प्रमाण बताया गया। रसूल की दावत से मुनकर हुआ यह, उसमें एक उदाहरण दिया जाता है दृष्टांत के रूप में, जो मेहतर किनान का था, राजा था किनान देश का। उसको जब मोमिनों ने पैगाम तो दिया, लेकिन वह उस पैगाम को स्वीकार न कर सका। मोमिनों की बात से वह मुनकर हो जाता है, बेईमान हो जाता है। और उसके पश्चात जब खुदा के समक्ष इन सभी को खड़ा किया जाता है, मोमिन और सरे के शैतान जब आमने सामने होते हैं, तो इस सरे के शैतान ने इस प्रकार से कहा खुदा के आगे कि मुझको पैगाम दिया गया ही नहीं है, तो कैसे मैं इस पैगाम को स्वीकार करता। किंतु जब खुदा के सामने ये सारा वार्तालाप होता है, तो खुदा अनजान तो नहीं है, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए खुदा ने यह पहचान लिया कि इसने संदेश पाया तो था, परंतु संदेश को स्वीकार न कर सका। इस प्रकार से मोमिन जब सत्यता का खुलासा करते हैं कि हमने पैगाम पहुंचा दिया था, उस समय इस दज्जाल शरीर के शैतान का मुंह जर्द और काला पड़ जाता है, उससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का प्रमाण जो कुरान में दिया गया है, वही यहाँ पर सकुमार बाई की वासना और अंगजेब बादशाह के ऊपर में लागू होता है, जिन्होंने मोमिनों के द्वारा धर्म संदेश को पाया तो सही, लेकिन सरा तोरा को वो छोड़ नहीं पाए। शरीयत को छोड़ करके हकीकत और मार्फत में जो प्रवेश करना था, वह प्रवेश पा नहीं सके। इस प्रकार की साक्षी को रखने के पश्चात अब आगे श्री लालदास जी महाराज अब आगे के प्रकरण के अंदर आकोट में हुई बीतक का वर्णन करते हैं। बुढ़ानपुर से आकोट तहां रहे महीने चार। आकोट में जब आप आते हैं तो चार महीनों तक रहे। उदयपुर के चार महीने, मंदसौर के आठ और आकोट के पुनः चार महीने। तो यहाँ से आकोट से जो विशेष बातें होती हैं, एक तो यह बात है कि औरंगाबाद के फतु अल्लाह फते महमद, उनके ऊपर में श्री प्रार्थना जी जवाब देने वाली पाती को लिखते हैं। इस पाती के अंदर श्री प्रार्थना जी इस बात का जवाब मांगते हैं, हे फतु अल्लाह, यदि मैं हादी बन करके कुरान का प्रचार ही कर रहा था, तो मुझे जेलखाने में डालने के लिए तुमने सैनिकों को क्यों छोड़ा? जहां पर आत्म जागने की लीला ही होने जा रही थी, उस लीला के अंदर तुम बाधक क्यों बने? इसका उत्तर आप मुझको दीजिए। आते थे इस्लाम में तिन मारी सबर की राह, जो जो आत्म जागृत करके इस्लाम में आना चाहते थे, उन सब के मार्ग को आपने रोक दिया। खुदा के दुश्मन आप सिद्ध हुए, तो ऐसा आपने क्यों किया? इस प्रकार से उत्तर मांग रहे हैं श्री प्रार्थना जी। हम आवत हैं दीन में, हमको करो मुसलमान। यदि आप इस्लाम धर्म के ऊपर चलने वाले सच्चे अनुयायी हैं, तो मैं आपके धर्म के अंदर आने को तैयार हूं। मेरे प्रश्नों का आपने साफ साफ उत्तर देना है। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे, तो मैं आपके इस्लाम धर्म में न केवल खुद शामिल होऊंगा, बल्कि अपने अनुयायियों को लेकर के मैं शामिल होऊंगा। जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते, तब तोड़ी तुमको खाना पीना हराम।
वहां तक आपके लिए खाना पीना दोनों ही हराम के बराबर है, इसलिए पहले मेरे प्रश्नों का आप समाधान कीजिए। जो सिफत कुरान में लिखी ना जिक्र की, कुरान के अंदर नारी और नाजी दो प्रकार के फिरकों का वर्णन है। नाजी फिरका एक ही है, नारी फिरके 72 कहे गए, जमा 73 फिरकों का वर्णन किया गया। तो जो ब्रह्म आत्माओं का फिरका है उसको नाजी फिरका कहा। श्री प्राणा जी कहते हैं, यदि तुम उन सत्य मार्ग पर चलने वाले नाजी फिरके में शामिल हो तो मेरे प्रश्नों का समाधान तुम अवश्य कर पाओगे। पुनः श्री जी कहते हैं, जो रोहे दरगाह में कहीं मोहम्मदी 12,000। दूसरी बात कहते हैं कि मोहम्मद साहिब ने दरगाह में बैठी हुई 12,000 सखियों का वर्णन किया हुआ है। यदि आप उन 12,000 में से एक रूह हैं तो अवश्य आप मेरे प्रश्न का समाधान कर पाओगे। बीच नसारों के गिरोह में लाहूत का निशान एवं जो नसारे कहे गए यानी कि जो ईसा पैगंबर के पीछे चलने वाले हैं उनके पास में लाहूत का निशान कहा गया। वे चौथे आसमान लाहूत की बात को मानते हैं। तो यदि आप उन गिरोह के अंदर में शामिल हैं जो चौथे आसमान लाहूत से उतरे हुए हैं तो अवश्य आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। जो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह कलाम, यदि आप यहूदी की जमात में हैं जिनकी भरपूर सिफत अल्लाह कलाम कुरान में लिखी गई है तो आप अवश्य मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। और यदि आप बनी इसराइल की गिरोह के अंदर हैं तब तो मेरे प्रश्नों का आप अच्छे प्रकार से समाधान कर सकते हैं, चाहे इनमें से किसी भी गिरोह के अंदर आप हो। मेरे प्रश्नों का समाधान यदि आप कर दोगे तो मैं आपके धर्म मार्ग के अंदर में शामिल हो जाऊंगा। इस प्रकार से श्री प्राणा जी ने वहां पर 7 क्यामत के निशानों के विषय की बात पूछी। यों ही एक लिखा काजी पर हिदायतुल्ला जाको नाम, एक अमानत खान दीवान पर रुका बहादुर खान इस ठाम। तो इन सभी के ऊपर में ऐसे ऐसे रुके लिखे गए, अमानत खान बहादुर खान फतेह मोहम्मद के ऊपर में। लेकिन जिस प्रकार से श्री जी चाहते थे और जानते थे कि इन क्यामत के निशानों का जो जवाब है उत्तर है ये वे कभी भी प्रदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये क्यामत के 7 निशान केवल इमाम स्वरूप ही खुलस्त कर सकते हैं, उनके बिना अन्य और कोई खुलस्त नहीं कर पाएंगे। उनका मुख मदन करने के लिए ही श्री प्राणा जी ने इस प्रकार की पाते लिखी और जवाब मांगा, लेकिन किसी प्रकार का जवाब तो वे दे नहीं सके, श्याह मुंह शर्मिंदे हो जाते हैं। दूसरा प्रसंग आकोट के अंदर भी वर्णन किया गया अव्वल खान भाई का। ये अव्वल खान उदयपुर से मिले हुए हैं श्री प्राणा जी से और औरंगाबाद में भी आकर के मिलते हैं। इहा भाई से भाग के आया अव्वल खान, रह न सके माया मिले जाको पूरी पहचान, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। जिसे श्री राज्य की पहचान हो जाए उसके लिए धनी से जुदा रह पाना ये संभव नहीं होता, वो तो माया के बीच में अपना गुजरान नहीं कर पाता। अव्वल खान भाई भी ऐसे ही हकुल यकीन थे, पूरी श्रद्धा रखते थे वे श्री प्राणा जी के ऊपर में, और इसलिए माया के बीच में वो गुजरान न कर पाए। तो यहाँ श्री जी के चरणों में आकर के विनंती करते हैं कि मैं आप ही के साथ में रहना चाहता हूँ, आपसे जुदा होकर के नहीं। श्री प्राणा जी ने इनका समाधान करते हुए कहा, हे अव्वल खान,
इस समय मैं धर्म पर्यटन के अंदर एक से दूसरे स्थान पर जाता हूँ, फिर दूसरे से तीसरे स्थान में कितनी शीघ्रता से जाना पड़ता है ये तो कोई भी नहीं जानता। इसीलिए ऐसे समय के अंदर यदि आप मेरे साथ में चलते हो तो जान का भी खतरा हो जाता है, आप बच नहीं पाओगे। इस प्रकार से कहते हुए श्री जी ने सांत्वना दिया कि जब मैं एक ठौर हो जाऊंगा तब आप अवश्य मेरे साथ ही रहोगे, लेकिन इस समय आप घर परिवार को छोड़ करके हमारे साथ में नहीं चलना। तुम चार दिन रहो भाइयों भेले, अब रोशन होत है काम। जब तक कि मैं यहाँ धर्म पर्यटन में फिर रहा हूँ तब तक आप चार दिनों की तो बात है, कुछ समय की तो बात है, तो आप अपने भाइयों के साथ में रहिए। समझा करके अवल खान को श्री प्राणा जी ने वापस से भेज दिया। पुनः कहते हैं आगे आकोट के अंदर जो वहां रहने वाले चौधरी थे उनको श्री प्राणा जी की कुछ पहचान हुई, लेकिन इनकी पहचान लौकिक पहचान है। उन्होंने श्री प्राणा जी को एक संत, एक गुरु, एक आचार्य के रूप में दर्शन किए, धनी की भांति उनके प्रति नहीं देख पाया। दो बेर उन्होंने अपने घर पर पधरावनी भी की, उत्सव कीर्तन सत्संग का कार्यक्रम भी रखा, लेकिन इसके उपरांत आत्म के अंदर जितना अंकुर और बल था उससे अधिक लाभ वह श्री जी के पास में ले न सका। बेर दो चार अपने घर बुलाए करी मनोहार, आरो गाए भलिभांत सो कर आचार विचार, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी को आरो गाते हैं, आचार विचार दोनों चाहिए, आचरण भी होना चाहिए और विचार शक्ति जो थॉट प्रोसेस चलता है हमारा वह भी साफ होना चाहिए कि ऐसे महात्मा जन, संत जन, गुरु जन जब हमारे घर पर पधराते हैं हम तो किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है, किस प्रकार से उनकी पधरावनी की जाती है, ऐसे ही आचार विचार को लिए हुए आकोट के चौधरी ने श्री प्राणा जी की पधरावनी की। उन आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, परगने बराड़ के था हाकिम का गुमास्ता। तो बराड़ में रहने वाला एक ब्राह्मण, उसका नाम सुखदेव ब्राह्मण है। तो ये सुखदेव ब्राह्मण आते हैं और हाकिम के यहाँ पर जो गुमास्ता प्यून आदि होता है इसका कार्य वे करते थे। जब यहाँ आए ये कबीर की जो साखियां हैं, दोहे हैं, इसके माध्यम से श्री प्राणा जी के मुखारविंद से चर्चा को श्रवण करते हैं। तिन सुनी चर्चा कबीर की लगा कलेजे घाव, जिसके हृदय में चर्चा के वचन लग जाते हैं वो ही जानता है कि इन शब्दों के अंदर क्या सार है, क्या महत्ता भरी हुई है। सुनते तो हम बहुत हैं, लेकिन जब तक ये वचन हृदय के आर पार नहीं हो जाते हैं तब तक ये वचन होते हुए भी परिवर्तन लाते नहीं है। सुखदेव ब्राह्मण ने जब आपके वचनों को श्रवण किया, खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगा आए दाव। उनके लिए जितनी सुखदेव की पहुंच थी उसी अनुसार हकीकत की मजल का द्वार खुल गया। वे अक्षर ब्रह्म धाम संबंधी थे, तो अक्षर संबंधी होने के कारण से हकीकत का द्वार उनके लिए खुल जाता है। भूल गया शरीर को नजर पहुंची बक्का में, और सान कछु ना रही हुआ सब तुम ही से, हुआ सब तुम ही से, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। वीतक ही हमें पहचान कराती है तीनों सृष्टि के लक्षण कैसे होते हैं। तो यहाँ जिनके लिए हकीकत का द्वार खुला, अपने शरीर की शुद्ध सान को इस प्रकार से भूल गए कि जल थल एक हो गया,
बिल्कुल भी भार नहीं है उनके अंदर शरीर की, और एक ही बात को वे कहते रहते हैं, हुआ सब तुम ही से, हुआ सब तुम ही से। क्योंकि श्री प्रार्थना जी का धाम धनी का हुकुम आदेश जब तक नहीं होता, हम लाखों प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन वह कार्य सार्थक नहीं बनता। इस गूढ़ बात की जो पहचान इस सुखदेव ब्राह्मण को होनी थी वह हो चुकी है, इसलिए इसी बात को वह दोहराता रहता है, हुआ सब तुमसे, हुआ सब तुम ही से। घरों जाए पीछे फिरे जो ताना कोने के, आना जाना आना जाना आना जाना करता है, न तो यहाँ पर शांति से बैठ सकता है श्री जी के पास, न अपने घर में जाकर के वहां कुछ समय तक बैठ सकता है। वहां जाए तो यहाँ आने की तलब है, यहाँ आए तो वहां जाने की तलब लग जाती है। तो आना जाना ताना कोरी करना, ऐसे ही काम करते रहा। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलना एक से और, चित्त उनका लगा मूल अक्षर के ठोर। श्री लालस जी महाराज कहते हैं, उनको चर्चा करके चित्त को फिराने का प्रयास भी किया जाए, तब भी उनका चित्त अक्षर के ठोर में, अक्षर धाम में लग चुका है, फिरता है शरीर के द्वारा। यहाँ हमें लगता है वो तो यहाँ फिर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि इस प्रकार से फिर चुकी है, सूर्य अक्षर धाम में इस प्रकार से लग चुकी है कि वह अक्षर धाम के अंदर ही विहार कर रहा है। तो इस प्रकार से एक दिन ऐसा हुआ, श्री प्रार्थना जी दातुन कर रहे हैं नदी के इस किनारे, सुखदेव ब्राह्मण दूसरे किनार पर है। जब उसने श्री जी के दर्शन पाए, रह नहीं सका, और इस समय ये सुखदेव ब्राह्मण पैठा नदी में होशियार, शरीर की सुदशा नहीं है उसे, न तो वह जानता है कि जल थल इन दोनों के बीच का फर्क नहीं पता है, इसलिए नदी के अंदर प्रवेश हो गया, समेत कपड़े चला गया। कपड़ों के समय कपड़े भी भीग गए, स्वयं भी डूबने लगा, सिर के ऊपर जो पाग पहनी हुई थी वो जल की तरंगों में यहाँ पर ऊपर तरंगित होने लगी। तो इस प्रकार सुखदेव ब्राह्मण उसको देखा, मोमिनों ने दूर से, अरे कोई तो पानी के अंदर डूबा जा रहा है। तुरंत मोमिन जल में उतरे और उनको बचा करके निकाला, सूखे वस्त्र धारण कराए और प्रश्न किया, भाई तुमने खाना खाया है क्या? उसे शरीर की सुदसानी नहीं है, इसीलिए वह उत्तर देता है, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन लोगों का यह आकीना, मुझे लोगों ने इस प्रकार से कहा कि मैंने 3 दिन पहले रसोई आरोगी थी, तो 3 दिन के पहले मैंने भोजन किया था, तब से मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया है। मैं जानत नहीं कछुए ए लोगों का यह आकीन, वो भी मैं नहीं जानता, लोग कह रहे हैं आपने 3 दिन पहले भोजन किया था। इन भांत इनका फेर पीछा हटाया चित्त, फिराया फिरे नहीं, तब इनके भाई बुलाए इतर। धनी श्री प्रार्थना जी के सामने भी ये कैसे विडंबना है कि जिनकी सुरता माया में लगी है, उनकी सुरता को फिरा करके श्री राज चरणों में लगाते हैं, जिनकी सुरता पहले ही अक्षर के ठोर अथवा श्री राज चरणों में लग जाती है, लेकिन संसार के बीच उनका रहना मुश्किल हो गया क्योंकि शरीर की सुदशा न रही, इसीलिए उनके चित्त को पुनः फिराने का प्रयास करते हैं श्री प्रार्थना जी। चाहे जितना फिराने का प्रयास कर लिया, लेकिन अब चित्त दोबारा माया में नहीं लग रहा। अब क्या करें, जागरण पर्यटन के बीच सख्त से सख्त समय का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय में ऐसे सुंदर 7 भाई आ जाएं, उनको किस तरह संभाला जाए, कब तक संभाला जाए, इसलिए भाइयों को बुलाया और इन सुखदेव ब्राह्मण को पुनः अपने बराड़ देश के अंदर में भेज दिया गया। तो इस प्रकार से जितना इनके अंदर का अंकुर था, उसी अनुसार यहाँ पर वो लाभ ले सके।
डोली में बैठा के पहुंचाए अपने ठोर, अंकुर माफक उल लिया पावे न जाता और बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जितना उनके अंकुर के अनुसार नसीब में लिखा गया था उतना ही लाभ श्री जी के द्वारा आपने प्राप्त किया। इससे अधिक लाभ न तो कोई ले सके हैं न तो कोई कम ले सकते हैं, लेकिन जितना भाग्य में दिया गया है उसी अनुसार मेहनत यदि न करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो प्राप्त कैसे हो। सुंदर साहब जी, अगर वृक्ष हो तब तो उसमें फल लगेगा, वृक्ष ही नहीं है बीज रूप में है तो फल कहां से लगेगा। तो उस बीज का विस्तार अपनी मेहनत के द्वारा जब तक हम नहीं करते हैं, जब तक उसको वृक्ष के रूप में रूपांतरित नहीं किया जाता है, तो फिर वहां फल कैसे लगेगा, कहां लगेगा। नसीब के अंदर जो भी है वो तो मिल ही जाता है, परंतु उसके लिए भी परिश्रम आवश्यक है। तो इन शुकदेव ब्राह्मण ने आत्म सौंपी कदमों अंकुर चेता तेता लिया सुख, उतना सुख लेकर के श्री जी के पास से रवाना होना पड़ा। अब यहाँ आकोट से आगे रवाना होते हैं तो कापस्तानी जाते हैं। तहां ईमान लिया दगड़ा और दत्ता, अमराजी भी आया सुन थोड़ी सी चर्चा। दगड़ा दत्ता अमराजी भाई कापस्तानी के अंदर में श्री प्राणा जी की थोड़ी सी चर्चा को सुन करके भी अधिक ईमान लेकर के आए हैं। और ये जो अमराजी भाई कहे ये तो कबीले के समेत ही या धर्म के अंदर में शामिल होते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पर 5-10 दिन रहने के बाद में एहदजपुर एच दिन जिसको कहा गया है, श्री प्राणनाथ जी अपने जुलूस के समेत वहां पर पहुंचते हैं। इस जुलूस को परसा जी नाम के भाई रोकते हुए कहते हैं, मेरे पास बहुत जवारी की खेती है, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी और जमात की भलीभांति सेवा करूं। इसलिए उन्होंने श्री जी को रोक लिया और आपकी सेवा पूरे तन मन धन से करने लगा। 3-4 दिनों तक यहाँ एचडे में रहे और तदुपरांत अब यहाँ से भी श्री जी आगे बढ़ते हैं। मिला फकीर संग का तिन साखियां दे करी सेवा, तो वहां पर एक फकीर मिल जाते हैं, उनके पास में कुछ साखियां थी कुछ दोहे थे। एक फकीर और क्या दे सकता है, तो इन्हीं साखियों को दे करके उन्होंने श्री प्राणा जी की सेवा करी। सुन चर्चा गलित भया पाया नहीं भेव, उसने चर्चा सुन करके गलित गांत हो जाता है, आनंदित होता है, लेकिन उस चर्चा के अंदर का जो भेद हमें प्राप्त होना है, मर्म की बात हमें समझनी है, उस मर्म की बात को समझने नहीं पाया। तहां से आए देवगढ़ तहां रहे दिन 4, राम टेकरी का राजा था तहां किया न किन विचार। अब यहां से गुजर करके एच देश से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे देवगढ़ में राम टेकरी का राजा है, उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी प्रजा ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इस स्थान के अंदर किसी प्रकार की चर्चा कथा सत्संग आदि न हो करके श्री जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शाला रूप जो स्थान कहा गया अब वहां प्रवेश होंगे, क्योंकि लक्ष्य रखा है कहाँ का, दारुल बका श्री पद्मावतीपुरी धाम का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन उस लक्ष्य में पहुंचने से पहले शाला रूप स्थान जिसे कहा गया अब वहां पर प्रवेश हो रहे हैं। वहां से ती चल के आए राम नगर भई मजले दरम्यान में, ए सुख सब ऊपर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु
तो सुंदर साज जी इस प्रकार से यहाँ कहा कि ये जो राम नगर है वो शाला रूप स्थान है, जिससे हम कहते हैं कि यहाँ से श्री परमधाम हमारा लक्ष्य है। और शाला कौन सी है? शाला है गोलोक। गोलोक से सारी देवतें उतरी थी, यहाँ से जाते समय भी उस शाला रूप स्थान से होकर के जाना है। इसी तरह धाम है श्री पन्ना धाम, वहां प्रवेश होने से पहले जहाँ 2 वर्ष तक लीला होती है, ऐसे रामनगर को शाला रूप स्थान कहा गया। और इस रामनगर के अंदर जो लीला जिस प्रकार की होती है, साथ की जितनी आमदनी होती है, ये सुख को सर्वोपरि सुख कहा गया है। तो हे साथ जी, इस धर्म पर्यटन के अंदर देखिए तो हर जगह पर सुख आनंद की लहरें ही उमड़ कर आती है। हर स्थान जैसे जैसे आगे बढ़ा, समय आगे गया, वैसे वैसे यहाँ का आनंद भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। तो अब रामनगर में जब आप पहुंचते हैं, इस सुख को सर्वोपरि सुख कहा गया है। एक समद घोड़ा अस्वारी को हाजर, श्री राज तापर विराजत, संग मोमिनों का लश्कर, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तहां मांगत टुकड़े चल ही जोरी भर के ल्यावे, श्री राज को आरोगाय के साथ को बांट देवे। सुंदर साह जी, जहां कहीं से श्री प्राणा जी का ये जुलूस चल रहा है, एक समद सफेद रंग के घोड़े के ऊपर हृष्ट पृष्ठ घोड़ा है, इसके ऊपर में श्री जी को विराजित किया गया और उनके संग संग में मोमिनों का लश्कर भी चलता जा रहा है। साथ साथ में जयकारे लगते जा रहे हैं, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैयालाल की। जयकारों के साथ में यहाँ जब आप आगे बढ़ते हैं, जहां जहां राह में चलते गए तो टुकड़े मांगते हुए चल रहे, क्योंकि झोली लेकर के फकीर वेश में जो चल रहे हैं, सर्वत्र से टुकड़े बटोरते बटोरते आगे चलते हैं, श्री जी आरोगते हैं, प्रसाद के रूप में पूरी जमात के अंदर वही टुकड़ों का प्रसाद दिया जाता है। सुंदर साहब जी, मंसूर की मजल में हमने इसके महत्व को जान लिया, समझ लिया। हम 56 भोग भी आरोगेंगे ना, लेकिन ये टुकड़ों के समान वो नहीं आ सकता। इस एक टुकड़े का एक कतरा भी परम धाम पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये प्रसाद है और उस प्रसाद के अंदर इतनी महिमा है, इतनी महत्ता छिपी हुई है। जो रात दिन धनी की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ साथ में धर्म पर्यटन में चल रहे हैं, ऐसे सुंदर साथ के अहोभाग्य की हम क्या चर्चा करें। इतने नसीबवान है कि सारी लग्जरीज को 56 भोग आदि को टुकरा करके भी वो श्री जी के पीछे पीछे हादी के कदमों पर कदम रखते हुए चलते जा रहे हैं और लक्ष्य रखा है श्री परम धाम का, श्री पन्ना धाम पहुंचने का। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिन भेष पहचानिया क्या पहचाने अंध। श्री प्राणा जी और उनकी जमात ने फकीरी वेशभूषा को धारण किया हुआ है। इस वेश को जहाँ कहीं आप जाते हैं, जो मोमिन ब्रह्मात्माएं हैं, वे तो आपके वेश को असली प्रकार से पहचान जाते हैं, लेकिन जो अंधे हैं, मायावी जीव हैं, वे तो इन फकीर की जमात को देख करके दूर से ही निकल जाते हैं। क्यों हम इनके पास जाए, भिक्षा देनी पड़ेगी। इस प्रकार से अंध पहचान नहीं कर सकता कि फकीरी वेश के अंदर क्या शांति है, क्या करार है। तो जब मोमिन सामने आते हैं, वे इस फकीरी वेश को देख करके कुर्बानी का भाव अपने दिल में लाते हैं और धनी श्री राज जी के शरणापन्न होते हैं। रामनगर आए
पहुँचे रहे केत की पर तहां अस्तबल बनाय के गणेश महंत के बराबर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो रामनगर में जब आप प्रवेश हुए तो यहाँ आकर के केतकी घाट के ऊपर में रहने लगे और जहाँ गणेश महंत का मंदिर था उसके ठीक सामने एक लंबा हॉल खड़ा कर दिया, जैसे अस्तबल का स्ट्रक्चर होता है जिसमें घोड़े आदि रखे जाते हैं। तो इसी प्रकार के एक अस्तबल को यहाँ तैयार किया गया, एक लंबा हॉल निर्माण करते हैं जिसमें स्वरूप दोनों ही एवं जो स्त्री वर्ग के लोग हैं सुंदर साथ हैं इन सभी को यहाँ पर रखा गया। तो अब आगे श्री लाला जी महाराज जी वर्णन करते हैं सुंदर साथ की आमदामी का, कितने सुंदर साथ यहाँ पर आकर के मिलते हैं। गोकुलदास जात मल ले कबीला समेत और सुंदर दास आए ईमान मुख कहत। जयंती दास जात मल और कबीरा और कबीला लाया फिर पीछे से बुलाया पहले आपको ईमान आया। तो ऐसे ऐसे अनेकानेक सुंदर साथ की आमदामी होती है। पुनः यहाँ कहा अब्दुल रहमान भिखारी दास ये सभी भी यहीं से जुड़ जाते हैं। देवकरण जी भी आते हैं, सूरत सिंह हरि सिंह ऐसे ऐसे मुख्याति मुख्य जो राज दरबार के अंदर में काम करने वाले हैं ये सभी आकर के श्री प्राणनाथ जी की जमात के अंदर में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे अनेकानेक सुंदर सात मध्य कहें तो यहाँ पर तिवारी उदय जी का भी नाम लिया जाता है। और तिवारी उदय थी लौकिक पहचान श्री राज को घरों पधराय के रसोई कराई प्रमाण। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो उदय तिवारी जी ने यहाँ पर इस प्रकार से लौकिक पहचान करते हुए संत महात्मा के रूप में जानते हुए श्री प्राणनाथ जी को अपने घर पर पधराया, भली भांति रसोई कराते हुए जिमाते हैं बड़े प्रेम भाव से। आपके वंशज यहाँ जयपुर के अंदर में उपस्थित हैं, मौजूद हैं और इन उदय भाई तिवारी को हम स्मरण करते हैं इस वितक की मजल में और शत शत इनको नमन करते हैं। चांद खान जो आया चर्चा सुनने को दौड़ता ईमान को रहा रामनगर मो। तो ऐसे चांद खान भी ईमान लेकर के आए हैं क्योंकि साथ जी हिंदू पक्ष के लोग तथा मुसलमान जाति के लोग एक छत समान श्री जी के समय के अंदर समझ प्राप्त करके धर्म में शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री महामति कहे ए मोमिनो ए कहे रामनगर की बीतक और आगे जो बहुत है कहो हक के हुकम। तो मैं हक श्री राजी के हुकुम आदेश के द्वारा आगे आने वाली जो रामनगर की मजर है इसका वर्णन करता हूँ। श्री लाला जी महाराज कहते हैं तो प्यारे सुंदर साजी एक जयकारा लगाते हुए रामनगर की वितक को हम श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ पर सूरत सिंह नाम के भाई हैं जिन्होंने हरिसिंह भाई को सूचना दी, खबर दी कि हमारे रामनगर के अंदर एक बड़ी फकीर की जमात आई हुई है। सुजान साह की सोहबत लेकर के ये हरिसिंह आते हैं, श्री प्राणा जी का दीदार करते हैं। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशाल जब आपने आकर के श्री जी की चर्चा को श्रवण किया।
बेहद खुशखुशाल हो जाते हैं और लगा कि ऐसे संत चरण मेरे घर में पड़ने चाहिए, मेरा घर भी पवित्र हो, मेरा परिवार भी धन्य धन्य हो जाए और हर प्रकार से मुझको लाभ होवे। इस प्रकार से श्री प्राणा जी को आपने सादर आमंत्रित किया, श्रीजी ने भी आपका न्योता स्वीकारा और एक दिन के ऊपर में श्री प्राणा जी की आज्ञा से वहां पर रसोई का प्रबंध किया गया। श्री प्राणा जी, बाईजू महारानी और समस्त सुंदर साथ जी हर सिंह के इस न्योते को स्वीकार करके प्रसाद लेने के लिए जाते हैं और अच्छे प्रकार से रीत कैसे होती, आचरण कैसा है, धोती को पहन करके स्वच्छ होकर के वे अब परोसने लगे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े सेठ साहूकार हो तो वो परोसने के लिए नहीं निकलेंगे, चाहे जितने बड़े साहूकार हो, राजा हो, लेकिन उनका उत्तरदायित्व तो होता है कि जब आपने संत चरणों को घर में आमंत्रित किया है तो उनको सप्रेम आग्रह से विनय से आरोगाना है। इस तरह से कई सारे सामग्रियां व्यंजन आदि को बना बना करके यहाँ पर आमंत्रित किया गया श्री जी को। अच्छी तरह पंक्ति बैठाई गई और इस तरफ मोमिन भी बैठ गए। श्री प्राणा जी बाईजू महाराणी के लिए अलग व्यवस्था की गई। उपरा ऊपर यह हर प्रकार की सामग्रियों को परोसने लगे और इस तरह से सारी वस्तुएं करने के बाद श्री लाला जी महाराज कहते हैं, थी ऊपर की पहचान, इनके अंदर भी जो पहचान है वो पापुली पहचान नहीं है। ऊपर की पहचान होने का मर्म है कि इनके पास भी श्री जी को इतना ही जाना था उन्होंने कि ये एक संत है, महात्मा है, तो मुझे इनके चरणों को घर में पधराना है। ऐसे ऊपर की पहचान लेकर के सारी सेवा करी और उसके बाद एकांत अपने घर के अंदर जा होता है वहां लेकर के गए। ले गए अटारी पर श्रीराज को एक ठोर, अटारी के ऊपर में ले जाते हैं और एक ठोर एकांत में करके श्री प्राणा जी से अब एक गुजारिश विनती करते हैं, मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से, ए होए मुझसे जेर इत। उन्होंने मांग मांग करके यही मांगा कि मेरे पड़ोस में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, मैं उनसे बड़ा उदास हो चुका हूँ, हैरान हो चुका हूँ, ऐसा आशीर्वाद मुझको प्रदान कीजिए कि वो मुझसे जेर हो जाए, परास्त हो जाए। अब इनकी बुद्धि को क्या कहना, जहां मेहर के सागर स्वयं चलकर के आपके घर पधारे, महान बुद्धि के सागर जिनके पास से जो चाहो वह मिल सकता था, परम धाम की न्यामते मिल सकती थी, उनके पास से कैसी तुच्छ बात आपने मांगी कि मेरे जो पड़ोस के जन हैं वो मुझसे परास्त हो जाएं। क्योंकि जितनी पात्रता होती है उतना ही जल ले सकते हैं, उतना ही लाभ ले सकते हैं, पात्रता से ज्यादा कोई आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने इसी प्रकार की बात मांगी। जेता था उनका हिस्सा, देता लिया उन सुख, श्री लाला जी महाराज कहते हैं, विदा होए चला दरबार को तब पड़ा कशाला दुख। जब वह अपने दरबार को चला गया तो वह पड़ोसी के ऊपर में कष्ट कसाला आता है और उस पड़ोसी को तुरंत के तुरंत वहां से निकल जाना पड़ता है। इस प्रकार से उसका कार्य सिद्ध हुआ तो वाहवाही होने लगी कि मेरे मन के मनोरथ पूर्ण हुए। इसीलिए अब दूसरे किसी को भी बात जब जान पड़ती है कि इन महात्मा के चरण पड़ने से लाभ हो रहा है, सभी उनको पधराना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अब किशोरी कुंवर ने श्री जी को आमंत्रण दिया कि मेरे यहाँ पर भी आपको पधारना है। उन्होंने भी हाव भाव से भलीभांति से धनी श्री प्राणा जी की सेवा करी, सादर आमंत्रित
करके भोजन आरोगाया, सारी जमात ने यहाँ पर आनंद लिया। लेकिन श्री लाला जी महाराज कहते हैं कि ये भी अंकुर की बात है। भाव दिखाया भली भांत सो हुआ सेवा को सन्मुख, अच्छा भाव दिखाया सेवा भी करने लगा, अंकुर माफक अपने इन भी लिया सुख। लेकिन सुख हम उन महासागर से उतना ही बटोर पाते जितना हमारे अंदर का अंकुर पात्रता हो, नसीब में लिखा हो। एक दासी उनकी आवती फिर वह ल्याई ईमान, देख दीदार हक का कछुत भरी पहचान, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उनके यहाँ पर एक दासी नौकरानी आती है और उसके पास क्या है, श्रद्धा विनय पूर्वक जो कुछ भी हो, फूल ना सही फूल की पंखुड़ी भी ले आकर के अर्पण करती है। ये भाव है, ये श्रद्धा है। कई बार हमारे पास रुपए पैसों का भंडार हो लेकिन उसमें से अगर हम अंश मात्र ही देना चाहते हैं तो वो हमारा भाव होता है। लेकिन जो गरीब है श्रद्धावान है वह अपने कमाई के हिस्से से अधिक मात्रा में जब देते हैं तो उनका दिया हुआ ज्यादा फलदायी हो जाता है, क्योंकि हमने महासागर में से एक बूंद भर ही अर्पण किया और उसने अपने बूंद भर को भी महासागर के समान अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से इस दासी ने श्री प्राणा जी की कुछ पहचान कर ली। जब भी वह आती है नित्य आवे दीदार को कछु सामान ले आए, खाली हाथ नहीं आती, कुछ न कुछ सामान ले आती है, श्री जी को अर्पण करती है। पुनः यहाँ कहा आशा राम आईया, कबीर पंथ का एक भाई है आशा राम, चर्चा में नित्य आता है, ईमान से इस चर्चा को वह श्रवण भी करता है। तो इस प्रकार से आकर के एक उत्सव इन किया दिल में होए खुशाल। हर किसी के मन में उमंग जरूर रहता है कि हम संत चरणों को अपने घर पर पधराएं, घर को पवित्र करें। और इन भाई ने भी इसी तरह श्री जी को अपने घर पर आमंत्रित करते हुए एक उत्सव करने का लाभ उठाया। रामनगर के अंदर जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आजूज माजूज ने अपना खेल दिखाया। श्री लाला जी महाराज कहते हैं इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजूज माजूज उतरे साथी लगे खींचने। आजूज माजूज यानी कि दिन और रात को कहा है। दिन रात तो सृष्टि के शुरू से चलते आ रहे हैं लेकिन इनकी पहचान लोगों के अंदर में नहीं थी। आजूज माजूज को याफिस यानी विष्णु के बेटे कहे गए। दिन और रात चलते ही रहते हैं और इन दिन रात के बीच में जन्म मरण का जो चक्कर चलता है इसको नित्य प्रलय कहा गया है। वो कभी बंद नहीं होता लेकिन इस नित्य प्रलय के चलते भी कभी कभी ये आजूज माजूज के अंदर दज्जाल आकर के अपना जोर दिखाता है। दज्जाल ने यहाँ आकर के कई सुंदर सांप को खींच लिया। यहाँ पर जमात के अंदर कुछ ऐसे हालत होने लगी कि एक के बाद एक कई सारे सुंदर सांप ने अपना तन छोड़ दिया बीमारी लगने के कारण से। कान जी राम जी चलिया आया सूरत से, उन सौंपिया तम अपनी रया छबीला बेटा इनने। जिन कांजी भाई ने अपने आप को निछावर किया था, राम जी भाई जो सदगुरु स्वरूप के शिष्य थे इस सूरत के हैं, इन्होंने पन्ना धाम का दर्शन नहीं कर पाए, यही तन छोड़ दिया रामनगर के अंदर। सामलदास चलिया झाको चिंतामणि नाम, ठठा नगर के सामलिया जिनको चिंतामणि कबीर पंथ के थे, 12 मोमिनों में भी ये शामिल रहे, इन्होंने भी अपना तन यहीं पर परित्याग किया। निर्मल दास चलिया था महाजिरो मिने, पुनः मलूक चंद चलिया था राजपूत
सारे अग्रगण्य सुंदर साथ जो श्री जी के समय उनके एक इशारे एक हुक्म के ऊपर में कई सारे कार्य कर देते थे, ऐसे ऐसे मुख्य सुंदर सांप को आजुज माजुज ने खींच लिया, काल ने इनको निगल लिया। और ऐसे तो कई और सुंदर सांप के नाम श्री लादासी महाराज ने यहाँ पर गिनाए हैं। श्याम बाई जो आपकी पुत्री है, लाल दास जी एवं लाल बाई की पुत्री श्याम बाई बेटी लाल बाई की गड़े में छोड़ा आकार, वे भी इससे पीड़ित होकर के गड़ा की मंजिल में जब पहुंचते हैं तब अपने आकार को छोड़ती है। इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, एक को मंजिल पहुंचा रही तो दूजा रहने न पाए। एक के बाद एक इतने सारे साथियों को इस दज्जाल रूपी माया ने छुड़ा दिया, खींच लिया। अभी तो एक का अग्नि संस्कार करके आए ही है, दूसरा तैयार है, उसको ले जाना है। इस प्रकार से ये क्रम निरंतर रूप से चलता रहा। कोई एक दिन ऐसा रहा फिर दबा हुकुम से, यहाँ सुंदर सात के अंदर ऐसी दुचिताएं हो जाती है कि अब मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा। इतना जोर इस दज्जाल ने पकड़ लिया, जब श्री जी ने देखा कि मेरी जमात के कई लोग इस प्रकार से खींचे जा रहे हैं, काल के मुख में जा रहे हैं, श्री जी के हुक्म आदेश के द्वारा अब इस दज्जाल रूपी बीमारी को यहीं पर आपने रोक दिया। श्री जी के आदेश के द्वारा अब ये जो बीमारी है वो यहीं पर स्थगित हो जाती है, आगे बढ़ने नहीं पाती। तो अब इस प्रकार यहाँ की लीला होती है रामनगर की। इसी समय में कहीं तो जो 2 वर्ष यहाँ पर बिताए गए उसी में अंतिम समय के अंदर में औरंगजेब बादशाह एक फुरमान को भेजते हैं। इन समय सुल्तान का हुआ हुकुम पुरदल खान, रहे रामनगर एक वैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। हे पुरदल खान, आप जाइए, रामनगर के अंदर एक वैरागी रहते हैं। और बादशाह चाहते हैं कि इन वैरागी की अच्छी प्रकार से खबर लेकर के उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन पुरदल खान भी एक बड़े राजा थे, पुरदल खान स्वयं नहीं आते हैं, उन्होंने भी हुक्म कर दिया शेख खिदर के ऊपर में। और ये शेख खिदर अपने दीवान भिखारी दास को लिए, सेना को लिए अब रामनगर की ओर प्रस्थान करते हैं। आया एहदी होय के करता बड़ा सोर, गड़े से पुकारिया क्या राजा ऊपर जोर। ये शेख खिदर ने अपने अहदी को जो पैगाम लेकर के आगे जाते उनको भेज दिया। जब गढ़ा पहुंचता है वहां से रामनगर के राजा के ऊपर में संदेश दिया जाता है कि तुम्हारे रामनगर के अंदर जो वैरागी रहते हैं मैं उनकी धरपकड़ करने के लिए आया हूं, तुम चाहो तो उनकी रक्षा कर लो, तुम चाहो तो उनको मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने उन महात्मा को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुमने उनको सुख सुविधा दे बचा करके रक्षा करते रहे तो तुम्हारे ऊपर में चढ़ाई होगी, मैं तुमसे युद्ध करके भी उनको ले जाऊंगा। इस प्रकार की बात उन्होंने गड़ा से ही यहाँ पर भेज दी। जैसे ये सूचना पत्र आता है रामनगर के राजा भयभीत हो जाते हैं। इतना समय हो चुका है, आज तक दर्शन करने को वो नहीं आए। श्री प्राणा जी के विषय उन्होंने भी कई सारी बातें सुन रखी थी कि ये महात्मा कभी वेद की कभी गदेव की चर्चा करते हैं, तो ऐसे ऐसे अनेक बातें उनके जहन में चल रही थी, इसलिए वो कभी दीदार को न आए, न उन्होंने कभी श्री जी को आमंत्रित ही किया था। ये रामनगर के राजा ने तुरंत एक फुरमान अपने
कोतवाल के हाथ उसे भेज दिया। जाओ और उन महात्मा से कहो कि हे महात्मा, आपके लिए पाशा का फुरमान आया है, तुरंत यहाँ से आप निकल जाइए, क्योंकि मैं उस लश्कर के साथ में लड़ने के लिए काबिल नहीं हूँ। चार दिन यहाँ से निकल जाओ, सुख समाधान हो जाए वो चले जाए तब आ जाना। कोतवाल इस संदेश को लेकर के आया, जैसा उदयपुर में हुआ था वैसा ही यहाँ हुआ। जब संदेश आता है, श्री प्रार्थना जी अब कहते हैं, मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं, उन्हें यहाँ आने दीजिए, मैं तो उनके इंतजार में बैठा हुआ हूँ। ताको श्री जी साहिब जी ने झुक के दिया जवाब, हम ना डरे पातशाह से, आवे क्यों न सिताब, वो जल्दी क्यों नहीं आते, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब बादशाह आएंगे या कब उनकी तरफ से कोई आएगा मुझसे बातें करेगा। श्री प्रार्थना जी ने यहाँ से जाने का बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोतवाल जब राजा के पास में ये खबर ले जाता है, तब राजा ने पुनः कहा कि ये मारने को तैयार नहीं है। पुनः दूसरी बार कोतवाल को भेजा गया कि राजा यूं कहते हैं अपने स्वार्थ गरज, राजा का स्वार्थ है, वह आपको बचा नहीं सकेगा, उसकी नाक कट जाएगी, वो हिंदू राजा है, आप हिंदू महात्मा हैं, तो हिंदू महात्मा को यदि हिंदू राजा रक्षा न कर सका, कोई मुसलमान आकर के उनको पकड़ ले जाए तो उस हिंदू राजा की तो नाक ही कट जाएगी, इसीलिए आप यहाँ से निकल जाइए। दूसरी बार का संदेश पा करके भी श्री जी ने सोच लिया था, अब की बार मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, उदयपुर में तो जाना ही पड़ा, श्री राज का हुकुम था, लेकिन यहाँ श्री प्रार्थना जी डट जाते हैं। तब यहाँ तीसरी बार का संदेश लेकर के राजा के भाई सुवंश राय आते हैं, वे भी अच्छी प्रकार से इस बात को समझाते हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। श्री जी कहते हैं, कितना डरते हो, जोली तुम्हें लेकर के तो मैं चल रहा हूँ, आप तो अस्त्र शस्त्र से पूरी तरह सुसज्जित हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, फिर भी इतना डरते हो वर्षा से, मेरा उपराला करने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी बात रखूंगा, मेरी आज्ञा को सुनते ही वो चेर हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। जब श्री जी ने इस प्रकार से कहा तो सुवंश राय तो समझ गए कि ये किसी प्रकार से समझेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं, इसीलिए सुवंश राय ने राजा से जाकर कहा, क्यों इनके पीछे पड़े हो, ये तो मानने वाले नहीं है, रहने दो इन्हें, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात निर्णय हो जाती है। देखते ही देखते ये जो शेख किधर थे वो अपनी सेना को लिए हुए रामनगर प्रवेश हो जाते हैं, राजा के ऊपर जोर करने लग जाते हैं कि आपके राज्य के अंदर जो वैरागी हैं उनको पकड़ा दो। रामनगर के राजा ने कहा कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, आप जाइए उनको पकड़ लीजिए, मैं न तो उनका उपराला करूंगा न मैं आपकी मदद करूंगा, जाओ उनको पकड़ लो। जब राजा ने इस प्रकार की अनुमति दे दी, तब वहां पर जो भिखारी दास नाम के उनके दीवान थे, उन्होंने शेख किधर से कहा, आप तो मुसलमान हैं, मैं तो एक हिंदू हूं, मैं अच्छे प्रकार से जानता हूं कि कैसे एक हिंदू महात्मा से बात करनी चाहिए। तब इस तरह भिखारी दास दीवान आगे होते हैं और वे श्री प्रार्थना जी से मिलने के लिए आते हैं। भिखारी दास विदा होए के आए हादी कदम, कदमों लाल सेजदा किया, हम आए ऊपर तुम, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो भिखारी दास जी कहते हैं, मैं तो आपके ऊपर आया हूँ, आपको पकड़ के ले जाने के लिए आया हूँ, हादी के चरणों लगते हैं पहले और फिर पकड़ने की बात करते हैं।
तब हादी ने कहिया, हमको तो ये ही चाहे। अरे मैं तो इसी इंतजार में बैठा हूँ, जो हमको ये याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि पाशा मुझको याद करे, कोई मुझे उनके पास में पहुंचा दे। अच्छा हुआ आप आए। भिखारी दास भी सोच में पड़े, ये कैसे महात्मा है जिनके अंदर औरंगजेब का कोई डर नहीं है। श्री जी ने कहा, कल जाना है ना, आज की रात तो है, बैठिए कुछ श्रवण कीजिए। भागवत और वेदांत के प्रश्नों को सामने रखा और उत्तर मांगा, लेकिन बिना तारतम ज्ञान के कौन इन प्रश्नों का खुलासा कर पाए। भिखारी दास जी के अंदर धीरे धीरे से ये समझ आने लगी कि इन महात्मा के पास तो ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। कुछ लेने की आकांक्षा उनके अंदर में जागृत हुई और आपने श्री जी के आगे विनती करी कि मैं तो इन प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, कृपया आप मुझको इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब श्री प्राणा जी के द्वारा इस विषय के ऊपर में चर्चा होने लगी, तो इस चर्चा के द्वारा भिखारी दास जी ये जागृत होने लगे। तीन रात और तीन दिन कहिया तार तम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठौर दिए बताए। विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा सक शैतान का तब ही लाया आकिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सारे प्रश्नों का खुलासा एक बार में नहीं होता, तीन दिन तीन रात लग गए। पूरी तरह से तारतम संबंधी बातों को भिखारी दास के आगे खुलासा कर समझाया। जब इस प्रकार सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है, तो दिल के अंदर जो विरोध था, हिंदू मुसलमान को लेकर के जो विरोधाभास में पड़े थे, वो सब चकनाचूर हो गया। एक धर्म अपने सामने नजर आने लगा, जिसका लक्ष्य सिद्धांत सोई खुदा सोई ब्रह्म का है। जब इस तरह उन्होंने समझ लिया, तब शैतान रूपी मन, उसके विकार दूर हो जाते हैं, टल जाते हैं, और भिखारी दास जी तब ही आकीन लेकर आते हैं, ईमान लेकर आते हैं। जब तीन दिन और तीन रात होने लगी, तो शेख हिदर ने सोचा, मेरे मंत्री को इन्होंने कहीं मार तो नहीं दिया, क्या हुआ, क्यों अब तक नहीं लौटते हैं। इतने में सोचते हुए ही ये भिखारी दास जी वहां पर पहुंचे, तो जब जाकर के बताया, मैं देखा हादी जमाने का, मैंने तो आखर जमाने के हादी को, खावंद को देख लिया, दर्शन कर लिया। ये शब्द कहते ही शेख किधर के मन में भी उत्साह जागृत हो जाता है। ये तुमने क्या कहा, ये कैसी बात तुम कही, तुम क्यों कर करी पहचान, कैसे आपको पहचान हुई कि ये आखर जमाने के खावंद है। भिखारी दास जी ने उस समय में ये सारा खुलासा कर बताया कि मेरे आगे कुरान और भागवत के जो 40 प्रश्न हैं, इन सब का खुलासा करके उन महात्मा ने समझाया, क्यामत के सात निशानों को भी खुलस्त किया। भागवत संबंधी 40 प्रश्नों में जो त्रिधा लीला का वर्णन किया है, उसे भी आपने समझाया। उस समय में दो व्यक्ति यहाँ पर हैं, सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग, इन दोनों में साक्षी भी, एक मुसलमान है सैयद अब्दुल रहमान, एक हिंदू है रघुनाथ, दोनों ने साक्षी दी कि हम भी इनकी बात से सहमत हैं। शेख वैसे ही उठिया, अस्वारी करी तैयार, आगे से शेख खबर करी, हम आवत करन दीदार। तो शेख किधर को भी समय न लगा, तुरंत उठकर के खड़े हुए, अस्वारी को तैयार करके जाने लगे, आगे से सूचना भेज दी कि मैं आ रहा हूं दर्शन करने के लिए। जब इस प्रकार से शेख किधर यहां से रवाना होते पहुंचते हैं,
शेख आए के पहुंचिया लड़ी भीड़ अपनी देख दीदार कदमों लगा पाए अपने वतनी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। यहाँ देखिए तो भिखारी दास भी अंकुरी हैं, शेख खिदर भी इसी प्रकार से अंकुरी हैं। तो इन शेख खिदर ने पाए अपने वतनी श्री प्राणा जी को अपने वतन के धाम धनी के रूप में दर्शन किया। ये अपने अंकुर के अनुसार ही हो सकता है, अन्यथा ऊपरी पहचान भी करने वाले हैं, परमेश्वर के रूप में भी देखने वाले हैं, लेकिन इन्होंने दर्शन किया कि ये मेरे वतन के हैं, मेरे खसम हैं। होने लगी चर्चा क्यामत का मजबूर। श्री जी के साथ में जब क्यामत संबंधी चर्चा होने लगी तब सनंद वाणी को सुन करके वह भी बड़ा लाभान्वित होता है, खुश होता है। इस समय जब चर्चा चल रही है तो मुसलमान लोग बेदड़े के रहने वाले उन्होंने सोचा शेख किधर महात्मा को पकड़ने के लिए आया है, क्यों ना हम उनकी मदद करें, तो हमें भी शेख किधर कुछ इनाम देंगे। तो आए चर्चा में बैठे और यहाँ पर हरकत करने लगे, आकर के श्री जी को टोकने लगे कि आप एक हिंदू महात्मा हैं, टीका माला पहनते हैं फिर भी कुरान पढ़ रहे हो। शेख किदर से यह बात सही नहीं गई और शेख किदर ने तुरंत उठ करके इसका जवाब दिया। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठा देवो मुर्दक, देवो धक्के इनको करने लगा हरकत हक, इनको अर्धचंद्रमा लगा दिया जाए, सिर से धड़ इनका अलग कर दिया जाए। इस प्रकार शेख किदर को जब गुस्सा चढ़ता है अपने सैनिकों को लगा करके धक्के मार करके इनको यहाँ से भगा दिया। दिन दूसरे गया राजा की सोहबत, हैफत है राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे इत, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहलवान किसे कहा, जिनके अंदर पूर्ण ईमान पूर्ण इश्क भरा हुआ है, परम धाम की सारी दैवत है, पंच शक्तियों से जो युक्त हैं, ऐसे हक की स्वरूप महामति श्री प्राणा जी को शेख किधर कहते हैं, हे राजा तेरे राज्य के अंदर 2 साल से ऐसे पहलवान बैठे हैं, तूने अब तक उनका दर्शन तक नहीं किया, हैफत है धिक्कार है तेरे ऊपर, क्या भाग्य तूने पाए। जब फटकार लगा दी उस समय में राजा कहता है, अरे तुम तो उनको पकड़ने आए थे तो ये क्या हुआ, चैनल बदली कैसे हो गई। उस समय में शेख किदर ने कहा, पहले तो मुझे उनकी पहचान नहीं थी इसीलिए मैं उनको पकड़ना चाहता था, लेकिन मैंने इनको आखिर जमाने के खावत के रूप में पहचान लिया, इसीलिए अब मैं उनको पकड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो अब उनके चरणों का दास बन चुका हूं, जो वे मुझ पे आज्ञा करेंगे मुझे वैसे ही करना होगा। इस समय में तब राजा बोलिया, अब ही तुम करते पुकार, भली भई तुम ही परे, तुम ही करने लगे करार, अच्छा हुआ जो आपने अपना मन ही स्वयं ही बदल लिया, आप स्वयं ही शांत होकर के बैठ गए, अन्यथा मेरा क्या होता, न तो मैं उनको बचा सकता न आपके साथ में जाने दे सकता। अब इस समय में वहां पर जो राजा के साथ में रहने वाले पंडित और उनके कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों ने राजा से कहा कि हे राजा, हम न कहते थे कि उनके पास में जरूर कोई जादू वाली बुर्की है, मोमिन जो उनके आसपास में खड़े रहते हैं वो सावधान रहते हैं, जब कोई जाए उनको प्रणाम करे वो तो झुक गया, उसकी आंखें तो बंद हो गई। इस समय में मोमिन उसके सिर के ऊपर बुर्की डाल देते हैं, उस बुर्की के प्रभाव से वह उनका भक्त बन जाता है, गुलाम बन जाता है।
है इनके पास भुरकी सो हाथ रहे मोमिना। ये मोमिनों के हाथ में रहती है, किसी और को नजर नहीं आती है। तो हे राजा, आप क्या उनके दर्शनार्थ जाओगे? राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सोहबत, दूर से दीदार करूंगा, वास्ते शेख खिदर के इत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाग्य में भी ये कैसा भाग्य है, दुर्भाग्य है कि इस दुर्भाग्य से उनको पहचान न होने पाई। और इस तरह इसने यहाँ पर वचन कहे कि मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन उनकी सोहबत में नहीं बैठूंगा, दूर रहूंगा, नजरें भी नहीं मिलाऊंगा, नजरबंदी कर ली तो। इसलिए दूर से रह करके मैं वहीं पर खड़ा रहूंगा, ऐसी बात वे करते हैं। और वो भी जाना किस लिए? शेख खिदर के वास्ते, अपने आत्म के वास्ते तो कुछ भी नहीं है। दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सबन, सबको न्योता दिया दूसरे ही दिन, नाक तो बचा नहीं। शेख खिदर एक मुसलमान होकर के ऐसी बात सुना रहा है, लज्जित हो जाते हैं, तुरंत न्योता दिया आने के लिए। और इस तरह से वहां पर जाते तो है, आदि के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जे, दिल में दहशत इनको जिन अपने करे। आदि के सामने गए तो सही, न बैठते हैं न पास में जाकर के प्रणाम ही करते हैं, दिल में ऐसी दहशत ऐसा डर मचा हुआ है, ये मुझे भी अपना गुलाम बना लेंगे तो। इसीलिए अंकुर ही नहीं है तो क्या बात को सुन सके, वो ऐसे ही प्रिया सुनी न चर्चा कान, बिना अंकुरे क्या करे कर न सकिया पहचान। श्री लादा श्री महाराज इनका वर्णन करते हैं। और अब यहाँ से जब शेख किधर रवाना होने लगे तो उन्होंने श्री जी से पूछा कि मैं आपके विषय में क्या लिख करके भेजूं, मुझे एक संदेश पुरदर खान को भेजना है, आप जैसा फरमाओगे वैसा मैं लिखूंगा। लेकिन यहाँ श्री जी कहते हैं कि जैसा तुम्हारी अकले देखा होवे हमें तुम, तुमने जो मेरी पहचान की है उसी अनुसार लिख करके भेजो। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा कि ऐसा लिखो अथवा इस प्रकार से लिखो। फिर अहदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से, शेख किधर तो चले गए, परंतु उनको देख करके लोगों ने सोचा कि शेख किधर को महात्मा ने एक पोटली भर करके अशरफी दे दी होगी, इसलिए उनको पकड़ा नहीं गया, शेख किधर ऐसे ही चले गए। तो दूसरे कोई आते हैं अवधी बन करके, वे भी रामनगर के राजा के ऊपर में पुकार करते हैं, इन महात्मा को आगे लगाओ, या तो हम तुम्हारे ऊपर मुहिम करेंगे, चढ़ाई करेंगे। इस समय में राजा को बहुत दहशत होने लगी, इन पर दबदबा पातशाही, इनके ऊपर तो पाशा की नजर रहती है, जब तक ये मेरे राज्य में रहेंगे तब तक मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ, चैन की नींद नहीं सो सकता हूँ। तुरंत कोतवाल को भेज दिया, आप यहाँ से विदा ले लीजिए, पहले अंकुर नहीं है, ईमान नहीं है, न तो कोई लज्जत को प्राप्त कर सका। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहां से उठ चले जिमी देखी जहर। जिस जिमी के ऊपर 2 वर्ष व्यतीत किए, परंतु राजा उनके अनुकूल न होने के कारण इस समय श्री प्राणा जी ने यहाँ से प्रस्थान करने की ठान ली। ये जिमी उनको जहर तुल्य लगने लगी, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसी उसकी धरती होती है। श्री प्राणा जी ने सोचा अब यहाँ रहने का मेरा धर्म नहीं है, तुरंत यहाँ से निकलने का प्रबंध करते हैं। विक्रम संवत 1739 की साल चल रही है, महीने में अगहन महीना और शुक्ल पक्ष है, एवं दशमी की तिथि के ऊपर में चले रामनगर से, फिर 14 को आए गड़े में। दशम की तिथि को प्रस्थान करके 14 की तिथि को गड़े में आकर के प्रवेश होते हैं। यहाँ भी चैन नहीं,
क्योंकि जिस बाग के अंदर आप उतरे हैं वहां पर वो जो अवधी बनकर के पुकार कर रहा था वह भी यहाँ आता है। चार प्रहर तक मोमिनों की उनके साथ में लड़ाई चलती है। जब प्रातः का समय होता है, इस समय उजाला होने लगा, श्री जी के साथ में इसने सामना किया। जब धामधनी ने सनंदों की वाणी को सुनाया तब वे परास्त हो गए श्री जी का नूर देख करके। उस समय खुदा को शुक्र गुजार होते हैं कि चार प्रहर तो हम लड़े लेकिन अच्छा हुआ किसी मोमिन की हत्या हमसे न हुई, न तो हादी को हमने खरोच पहुंचाई। अगर हमने ऐसा किया होता तो खुदा के सामने हम दोषी बन जाते। ये तो बलि खुदाए का हमसे बेअदबी कछु होए। ये तो खुदा के बलि हैं, खुदा के रसूल हैं। अगर हमसे कोई बेअदबी हो जाती तो हमारी खैर न होती। इस प्रकार से कहते हुए ये तो यहाँ से चले गए। दूसरा कहें तो देवकरण जी यहाँ आकर के बाग में मिलते हैं। यहाँ से वे रवाना होते हैं पन्ना जाकर के श्री छत्रसाल जी महाराज को संदेश देने के लिए। इसके विस्तार पूर्वक वीतक को हम कल श्रवण करेंगे। हादी वहां से चल के गड़े पहुंचे धाये। वहां भगवंत राय का बेटा हाकी बताए। इस गड़ा के अंदर तरह तरह की परेशानियां आती हैं। भगवंत राय का बेटा जो हाकिम था उसने यहाँ आकर के बुरी नजर करी, मैं इन फकीरों को लूट लूं। अब फकीरों के पास में है ही क्या जो लूट ले। लेकिन उसने इस प्रकार की कुदृष्टि मोमिनों की जमात के ऊपर में जब डाली। वहां पर गंगाराम बाजपेयी नाम के भाई हैं। इन्होंने समझ लिया कि ये कुदृष्टि डाल रहा है। तब उन्होंने समझाया कि इन वैराग्यों को लूटेगा तो तू स्वयं ही बदनाम हो जाएगा, इनको लूटना नहीं होगा। इस दज्जाल का भी बुरा हाल होता है। लेकिन तरह तरह की विपत्तियां जब यहाँ आई, श्री जी को यह भी मालूम चलता है कि जिस अस्तबल के अंदर 2 वर्षों तक लीला हुई, रामनगर के राजा ने उसे जड़मूल से उखाड़ दिया, पूरी तरह विध्वंस कर दिया। दशों दिशा से जब बुरी खबर आने लगी, लागी लानत गड़े को उस दिन से हुआ खुआर, सो रोज क्यामत को थोर न आवे लगार। जैसे धनी के दिल से आशीर्वाद निकलता आया आज तक, गड़ा के लिए इसी प्रकार से श्राप निकल जाता है। इसीलिए लानत लग जाती है इस गड़े के ऊपर, क्योंकि गड़ा में प्रवेश होने के बाद में तरह तरह के ऐसे ही संदेश मिलते रहे। श्री प्रार्थना जी के द्वारा ये लानत लगने पर जब क्यामत का समय अंतिम तक, सृष्टि के अंतिम तक भी ये एक ठोर स्थिर नहीं हो पाएगा, हमेशा अस्थिर ही रहेगा, इस प्रकार से गढ़ा को लानत लगती है। इस नरसा जी, ये रामनगर की संक्षिप्त बीतक का हमने दर्शन किया। अब इससे आगे गढ़ा का वृत्तांत, मिलाप की बीतक, श्री छत्रसाल जी महाराज और श्री प्राणा जी का मिलाप प्रसंग, ये हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ म्यारे की जय। श्री महामती कहे ऐसा जी, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की।
पूरण प्रेम